सिद्ध कामना क्रिया क्या है? सिद्ध कामना क्रिया वो क्रिया है 15 मिनट की, जिसके माध्यम से आप 24 घंटे में कभी भी अपने चेतन मन की चाह को अवचेतन मन में पहुंचा सकते हैं। कई मित्र कहते हैं कि संजीवनी क्रिया का अभ्यास करने की कोशिश करता हूं, कर नहीं पाता हूं, छूट जाती। बहुत संक्षेप में पहली चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यानी हर मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने मन का गुलाम, और जन्मों जन्मों से मन की गुलामी करते हुए हम आए हैं। हम कभी अपने मालिक, अपने मास्टर नहीं बन सके। वी कुड नेवर बी आवर मास्टर्स एंड इवन टूडे वी आर नॉट आवर मास्टर्स। वी आर स्लेव्स ऑफ आवर डिज़ायर्स एंड ऑल आवर डिज़ायर्स आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द फैकल्टीज ऑफ आवर माइंड, जिसे मन कहते हैं। यानी मन तरह तरह के जालों में हमें उलझा देता है। और मैं आपसे कहूँ, ये स्वाभाविक है कि ध्यान में आपका मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ध्यान का अर्थ है मन की मौत। ध्यान का अर्थ है मन के जालों से मुक्त हो जाना। ध्यान का अर्थ है मन का मालिक बन जाना। तो जिसके तुम मालिक बनना चाहोगे, वो आसानी से तुम्हें अपना मालिक बनना देगा? वो तो विरोध करेगा ही, वो तो आपको तरह तरह से भटकाएगा ही, वो तो तरह तरह से बाधा पैदा करेगा ही। तो एक और मन बाधा पैदा करने की अपनी स्वाभाविक आदत नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आपको उस पर विजय पानी है, तो आपको भी उतना ही संकल्प करना पड़ेगा कि ये बाधा करे, लेकिन फिर भी मैं आधे घंटे के लिए संजीवनी क्रिया के नाम पर बैठूंगा। वो बाधा करे, वो आपको डराए, वो उच्चाटन करे, वो भ्रम पैदा करे, आपको हटाए, लेकिन आप अपना संकल्प इतना जारी रखें कि मोटी मोटी बात मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपना समय एक पक्का कर लें और स्थान पक्का कर लें। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि यथासंभव सोकर उठने के बाद जितना जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सोकर कब उठें, लेकिन जब भी सोकर आप उठते हैं, सबसे पहला काम आप संजीवनी क्रिया के लिए रखें, तब आपको सफलता मिलने में शीघ्रता उपलब्ध होगी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं परम आनंद को पाकर ही रहूँगा, इसका प्रगाढ़ संकल्प आपके अवचेतन मन में पैदा हो जाना चाहिए। ये प्रगाढ़ संकल्प आपके अवचेतन मन में कैसे पैदा होगा? सिर्फ रात को मैंने बताया, जब आप सोने जाते हैं, बिस्तर पर लेट गए हैं, और जो आप पाना चाहते हैं भौतिक जगत की, या जो भी आपकी आकांक्षा है पाने की, उसको दोहराते दोहराते सोना है, तो उसको दोहराते दोहराते एक संकल्प अंत में ये भी दोहराएं कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा, मैं परम आनंद को प्राप्त करके रहूँगा। कम से कम 5 बार मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, इसी संकल्प को दोहराते हुए सो जाएं। ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। धीरे धीरे एक न एक दिन ये आपके अवचेतन मन को पकड़ लेगा, और अवचेतन मन ने इस संकल्प को पकड़ लिया आपके, तो समझ लेना बाकी सारी चीज़ें तो इसके पीछे पीछे चली आएंगी। परम आनंद को पाने का संकल्प आपका पूरा होने लगा, फिर बचता क्या है? ये छोटी मोटी आकांक्षाएं तो अपने आप पूरी हो जाएंगी आपकी। ये संकल्प आपके अवचेतन मन में भर जाना चाहिए, और ये प्रगाढ़ संकल्प भाव के साथ नींद में प्रवेश करें। एक दिन पाएंगे कि चमत्कार होने लगा है, अवचेतन मन अपने आप आपके इस काम को सरल बना देगा। अब मैं तीसरी बात कहना चाहता हूँ। जैसा मैंने हमेशा आपसे कहता हूँ कि भगवान शिव ने ध्यान में प्रवेश करने की 112 विधियाँ दी, और आज तक इस पृथ्वी पर उसके बाहर कोई विधि नहीं पैदा हुई। लोगों ने उसी का घाल मिल करके तरह तरह की विधियाँ बना दी, उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन खांटी शुद्ध विधियाँ 112 है। और उन 112 विधियों में से एक एक विधि के प्रयोग से, अभ्यास से, बहुत गहनता से गुजरा हूँ। अभ्यास करने के लिए ही नहीं, उनका बायोलॉजिकल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन करने के हिसाब से, और
तब मैं बहुत गहरी छानबीन परीक्षण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 21वीं सदी के आदमी को हृदय केंद्रित विधि ही ध्यान के रूप में देना सर्वाधिक उपयोगी और सर्वाधिक प्रभावकारी होगा। इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण, जिन्होंने भी जाना है, जिन्होंने भी पाया है, जिन्होंने शरीर को भीतर से देखा है, सूक्ष्म शरीर का और आत्मा का अनुभव जिन्हें उपलब्ध हुआ, उन सारे लोगों के अनुभव का सार है, मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव का सार है कि आप दो तलों पर जीते हैं, मस्तिष्क का तल और हृदय का तल। आज 21वीं सदी का आदमी 99% बुद्धि के तल पर जीता है, बुद्धि प्रधान हो गया है हर आदमी। तो उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी प्राण ऊर्जा 99% कहाँ केंद्रित रहती है? बुद्धि में। और ध्यान का सारा उद्देश्य यह है कि अपनी प्राण ऊर्जा को आत्मा पर केंद्रित करना है, आत्मा के संपर्क में ले जाना है। जो व्यक्ति जितना अधिक आत्मा के निकट होता है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे आत्मस्थ होने की स्थिति में पहुंचता है और परमानंद को उपलब्ध होता है। तो ध्यान का उद्देश्य क्या है? आत्मस्थ होना, आत्मा के निकट होना, आत्मा में स्थित होना। बुद्धि का सीधे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जिन्होंने आपके बीइंग को भीतर से जाना, सारे संबुद्धों का अनुभव, मेरा अनुभव कहता है, बुद्धि का आत्मा के साथ सीधा कोई संबंध नहीं है, बुद्धि का हृदय से संबंध है। हृदय एक ओर तो आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है, दूसरी ओर बुद्धि से जुड़ा हुआ है। बुद्धि से सीधे आत्मा पर नहीं जाया जा सकता है। जो चेतना आपकी बुद्धि पर केंद्रित है, उसको पहले बुद्धि से हृदय पर लाना पड़ेगा, और जब बुद्धि से हृदय पर चेतना आ जाएगी, तब स्वाभाविक रूप से आत्मा की तरफ सरकना उसके लिए सहज, सरल और सुगम हो जाएगा। तो ये जो चेतना 24 घंटे आपकी घूमती रहती है, बुद्धि के इर्द गिर्द मस्तिष्क केंद्रित हो गई है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल प्यार भी आप करते हैं तो बुद्धि से सोच विचार के, हृदय का काम भी बुद्धि से ले रहे हैं। बुद्धि से क्या नहीं कर रहे हैं आप? यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धि से ही 90% मैथुन का कार्य कर रहा है 21वीं सदी का आदमी। वो बहुत खतरनाक है, वही हर तरह की विक्षिप्तता, हर तरह का पागलपन, हर तरह का विकार, हर तरह की हिंसा, उपद्रव, अशांति, तनाव, स्ट्रेस, सबका कारण यही है कि जो जिस इंद्रिय का काम है उससे करो, कोई ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है। लेकिन अगर कान का काम सुनने का है, अगर दूध पीने के लिए दूध आप कान में डालेंगे, तो क्या परिणाम होगा? आपका कान भी खराब होगा और उससे जो दूध पीने से लाभ होता है वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर मस्तिष्क से मैथुन करेंगे तो एक तो मस्तिष्क खराब होगा, और दूसरे मैथुन से जो तृप्ति मिलती है, जो बायोलॉजिकल उसके बेनिफिट्स हैं, उससे भी आप वंचित हो जाएंगे, उसका जो परम सुख है उससे भी वंचित हो जाएंगे, उसको जो रूपांतरित किया जा सकता है उससे भी वंचित हो जाएंगे। इसकी चर्चा बाद में करूँगा, अभी आप इतना ही समझ लें कि बुद्धि से चेतना को हृदय पर लाना है, और बुद्धि से चेतना को हृदय पर लाने के लिए कम से कम आधे घंटे तो चेतना को हृदय की ओर करिए, फिर धीरे धीरे वो अपने आप हृदय केंद्रित होने लगेगी। अंतिम कारण जिसके कारण मैंने इसे चुना है आपके लिए, ये हृदय केंद्र आपके सूक्ष्म शरीर का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। आपके संपूर्ण जीवन का केंद्र ही हृदय है। हृदय की पहली धड़कन के साथ आप अस्तित्व में आते हैं, और अंतिम धड़कन के साथ आप संसार से विदा हो जाते हैं। इस पहली धड़कन और अंतिम धड़कन के बीच में ही आपका सारा जीवन है। इसलिए जो जीवन का केंद्र है हृदय, उस पर केंद्रित विधि को मैंने ध्यान विधि के रूप में 21वीं सदी के आदमी के लिए चुना है। सारी दुनिया के 21वीं सदी के आदमी के लिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उपयोगी और कोई दूसरे ध्यान की विधि नहीं है। दूसरी बात, बायोलॉजिकली
हृदय से ही आपके सारे शरीर में रक्त का संचार होता है, और जब आप हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ध्यान के विज्ञान का सार है, जिस पर भी आपका ध्यान जाता है, जहां आपका ध्यान रहता है, जिस पर आप ध्यान करते हैं, वो स्वस्थ होता है, सशक्त होता है और शक्तिशाली होता है। जैसे बच्चे का ध्यान करेंगे, बच्चा स्वस्थ होगा, सशक्त होगा, शक्तिशाली होगा। फूल पौधों का ध्यान करेंगे, उनमें अच्छे फूल निकलेंगे। तो अगर हृदय पर आप कम से कम हर रोज आधे घंटे ध्यान केंद्रित करेंगे संजीवनी क्रिया के माध्यम से, तो आपका हृदय, जहाँ से संपूर्ण शरीर में रक्त संचार होता है, आपके जीवन का आधार है, वह हृदय स्वस्थ होगा, सशक्त होगा, शक्तिशाली होगा, और वहाँ से संबंधित रक्त जो पूरे शरीर में संचरित होता है, आपके हृदय और रक्त से संबंधित कोई भी बीमारी आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती। ध्यान ही उसका सबसे बड़ा उपचार कर देगा।